बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथी बाबरे नहीं भेजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मगफिरातुहु। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड वी हैव लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले ये सुलेमान, आप अपनी वीडियो बंद करें। तमाम स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को स्टॉप कर दें और अपनी जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लें ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके जो आज का लेक्चर है। अरे आप ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आपके पास जो टॉपिक है आज का, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे 5 स्टेप्स। देयर आर 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स में से ये 3 स्टेप्स जो के डिफरेंट कलर हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इन 3 स्टेप्स को हमने डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग 2 स्टेप्स, कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, ये रह गए थे। आज हम इनके बारे में देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम मींस ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिडेट सॉल्यूशंस। ओके जी, वो तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस जिससे आप एक करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशंस। वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? कैंडिडेट सॉल्यूशंस। अब कैंडिडेट सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए एक प्रोग्रामर्स को डिफरेंट वेज में देखना पड़ता है प्रॉब्लम को कि वो किस तरह कैंडिडेट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता है। इसके एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशंस की, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज कि आपने अपने स्कूल लाना है शाइनिंग स्टार, जैसे कि आप डेली रूटीन में आते थे पहले। तो अब अगर एक बच्चे ने स्कूल आना है तो ये है प्रॉब्लम कि उसने स्कूल जाना है। अब कैंडिडेट सॉल्यूशंस क्या होंगे? कैंडिडेट सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे। हो सकता है वो घर से निकले, बर्फाना की तरफ से घूम के स्कूल आ सकता है, वो घर से निकले पीपल से घूमता हुआ स्कूल आ सकता है, वो घर से निकले रेंज रोड वाली साइड से स्कूल आ सकता है, मसरियार वाली साइड से आ सकता है। मीन्स ये डिफरेंट वेज हैं जहाँ से वो एक ही मंजिल है उसके स्कूल पहुँचे और वो पहुँच सकता है। ये तमाम के तमाम वेज जो है ये कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट्स आर नोन एज कैंडिडेट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तमाम के तमाम जो रास्ते हैं जिनके थ्रू आप स्कूल पहुंच सकते हैं, ये तमाम हो गए आपके कैंडिडेट सॉल्यूशंस। अच्छा, ये अब हमने एग्जाम्पल ली डेली लाइफ से। अब इसी तरह की एग्जाम्पल आपने पढ़ी थी पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें, आपने प्रॉब्लम नंबर 1 देखी थी, उसके कैंडिडेट सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट सॉल्यूशन तो आपके पास ये हो सकता है कि जो कस्टमर है जिसने सॉल्यूशंस, देखिए पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तमाम स्टूडेंट्स आप लोग हैंड फ्री यूज़ करें। ऐसा निकला कि आपने हैंड फ्री यूज़ नहीं की हुई आपको आवाज़ सही नहीं आएगी। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स से मैंने पहले भी कहा था हैंड फ्री यूज़ करें और अपनी वीडियो तमाम स्टॉप कर लें ताकि आपको आवाज़ सही आ सके। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1,
फर्स्ट सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि वो शख्स अपने शूज जो भी उसने चेंज कराना है वो पर्सनली कंपनी में जाए और वहाँ पे जाके चेंज करवा ले। दूसरा उसके पास क्या सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वो शख्स कोरियर के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो भेजे और अपनी जो भी उसकी एप्लीकेशन है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है कि मेरे शूज़ जो चेंज कर दें वो इस तरह करा सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि वो अपनी कंप्लेन को कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट करके या उन्हें ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं जी। अच्छा, अब ये तो थे तीन सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम के। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी कि आप सब ने शाइनिंग स्टार स्कूल आना है और फोर डिफरेंट वेज ये आना है, वो थे आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। तो ये तीन सॉल्यूशंस और वो फोर सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे कैंडिड सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम कहलाएंगे। ये तमाम कैंडिड सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है जी। ऐसे सॉल्यूशंस जिससे आप अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो सही, वो तमाम के तमाम कैंडिड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम कहलाते हैं। अच्छा, अब आगे देख लें, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस। ओके जी, अब आप लोगों के पास शाइनिंग स्टार्स स्कूल आने के फोर रास्ते मैंने आपको बताए। बर्फखाना से घूमते हुए आप आए, मसरिया रोड वाली साइड से आए, पीपल से आए या रेंज रोड से आए, ये चार रास्ते। अब जहरी बात है आप इन चार रास्तों से स्कूल तो नहीं आएंगे, आप कोई एक रास्ता अपनाएंगे जिसके थ्रू आप स्कूल आए, ठीक है जी। तो कैंडिडेट सॉल्यूशंस प्रोग्रामर बहुत से फाइंड करता है, लेट्स सपोज 3, 4, 5, 10, लेकिन फॉलो किसी एक को करते हैं, ठीक है। जो उन सब में से बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास होगा उसको हम फॉलो करेंगे। अब जैसे आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे कितने सॉल्यूशंस दिए, फोर दिए शाइनिंग स्टार स्कूल में आने के लिए। अब आप देखेंगे कि उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन आपका कौन सा है। तो बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है? अच्छा जी, बेस्ट सॉल्यूशन के लिए आपने तीन चीजों को देखना होगा, स्पीड, कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकंड कॉस्ट, थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर एक बच्चा पीपल में स्ट्रीट नंबर 22 में रहता है और उसने 61 में जाना है, तो सिंपल सी बात है कि वो पीपल से ही जाएगा, बर्फखाना से घूम के नहीं जाएगा, रेंज रोड से नहीं जाएगा, मसरिया रोड वाली साइड से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से जाते हुए उसकी स्पीड तेज़ होगी, वो जल्दी स्कूल पहुँचेगा। दूसरी बात, कॉस्ट, कॉस्ट के लिए अगर देखा जाए तो उसके यहाँ से कॉस्ट भी कम लगेगी, वो यहाँ से पैदल जा सकता है स्कूल। बर्फखाना से होकर जाने के लिए हो सकता है उसको बाइक चाहिए रेंज रोड से और मसरियार वाली साइड से, तो दूसरा फ़ायदा यहाँ से पीपल से जाने का, कॉस्ट इफेक्टिव। तीसरा कम्प्लेक्सिटी, बर्फखाना से जाते हुए उसको घूम के जाना पड़ेगा, कम्प्लेक्स भी हो जाएगा, पहले वो यहाँ से रेंज रोड जाए, वहाँ से घूम के आए या फिर वो मसरियाल चौक वाली साइड से आए, तो ये तीनों के तीनों रास्ते वो नहीं फॉलो करेगा। वो 22 स्ट्रीट से अगर उसने 61 पे जाना है तो वो पीपल कॉलोनी से होता हुआ यहाँ से ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो उसने सेलेक्ट किया। अब इसी तरह जब प्रोग्रामर्स काम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो उन्होंने जब सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैंडिडेट सॉल्यूशंस निकालते हैं, लेट्स सपोज 4, 5, 10 निकाल लिए। अब उनमें से इन्होंने देखना होता है कि हम कौन सा वे है इसको अपनाते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उसके लिए तीन चीज़ें देखनी होती हैं, स्पीड, कॉस्ट, कम्प्लेक्सिटी। ये क्यों देखी जाती है? ताकि आप बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। अच्छा, अब स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल से भी समझाया, ठीक है जी, कि आपको टाइम कम लगे, लेकिन वो क्या थी, डेली लाइफ की एग्जांपल थी। कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में स्पीड से मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा वे, ऐसा कैंडिड सॉल्यूशन चूज करना है जिसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब चेंज करके इम्प्लीमेंट करें तो उसकी स्पीड सबसे तेज़ हो, ठीक है। जैसे पीपल से जाते हुए आपकी स्पीड तेज़ होगी, आप
ओके जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तमाम स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को ऑफ रखें और हैंड फ्री यूज करें। ओके, तो बात हो रही थी स्पीड के बारे में। अच्छा, स्पीड के बारे में, जब आप पीपल कॉलोनी से होते हुए जाते हैं तो आपका टाइम कम लगता है, ठीक है। यही इसी तरह की प्रॉब्लम अगर आप कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे तो जब आपने प्रॉब्लम को कोडिंग फॉर्म में लिख के इम्प्लीमेंट करना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। पहली बार ऐसा कैंडिडेट सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना कहा था, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आप ऐसा कैंडिडेट सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आप अगर बफखाना से घूम के जाते हैं तो सिंपल सी बात, आपको बाइक पर जाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा आएगा। पीपल से आप जाएँ तो सीधा पैदल जाते हैं तो कोई कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा कैंडिडेट सोल्यूशन आपने चूज़ करना है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपकी कॉस्ट कम से कम लगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है जी। ये है द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आप अगर 22 नंबर स्ट्रीट से आप होते हुए पहले मसरियाल जाएं, मसरियाल चौक से घूम के आएँ तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, पहले बहुत घूम के जाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से 22 स्ट्रीट से डायरेक्ट 61 में जाएं, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम्प्लेक्सिटी उसी वक्त होती है जब आप एक बहुत बड़ा कोड लिख देते हैं, ठीक है जी। कोड में बहुत ही लाइनें लिख देते हैं, मतलब 100 लाइनों का आप अगर एक कोड लिख देते हैं, अब उसको रन करने में एक तो आपको स्पीड स्लो हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, फिर वो कम्प्लेक्स भी हो जाएगा, अगर कोई एरर निकालनी हो तो वो मुश्किल हो जाता है। कम्प्लेक्सिटी ना हो, आपने ऐसा कैंडिडेट सोल्यूशन सिलेक्ट करना है जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए कम से कम लाइनें आप लिखें। मीन्स लाइनों को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है जी। सिंपल स्टेप्स होने चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए आपके कोड में, ठीक है जी। तो ये तीन थे, इसके थ्रू आप चूज़ करेंगे कि आपने कौन सा सोल्यूशन सेलेक्ट करना है। तो पिछला टॉपिक हमारा वहाँ पर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिदम, ठीक है जी। एल्गोरिदम में हमने 4 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, दी एल्गोरिदम, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, algorithms for solving problems. Okay जी, so let's start the algorithm. अच्छा, algorithms से क्या मतलब है, algorithm means method, procedure, technique or plan. Algorithms is a step by step problem solving method that is easy to understand and follow. It is a step of या तो लगता है उस जगह पे सिग्नल थोड़े से ठीक आते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो रीडिंग आप बेशक बुक पे कर लीजिएगा, एक्सप्लेन करता हूँ द एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम मीन सिंपली अगर हम देखें तो ये वो सीक्वेंस होता है या वो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने कल क्वेश्चन सोल्व किए थे मैथ्स के लेक्चर में, काफ़ी स्टूडेंट होंगे आज भी प्रेजेंट, उन्होंने कल का लेक्चर लिया होगा। या लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, एक्स के प्लस 5x + 6 = 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है कि जिसके थ्रू आप वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट ए है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया, मींस के 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो 5x है उसको आपने 2 नंबर्स में ब्रेक करते हुए 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि उनका प्रोडक्ट 6 आए और एडिशन से वो 5 आए, ये दूसरा स्टेप हो गया। हमने वो 2 नंबर्स फाइंड किए, कौन से हैं,
टू और थ्री को मल्टीप्लाई करो 6, ऐड करो और 5। ये स्टेप हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि अब आपने जब ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अगला स्टेप क्या होता है, x कॉमन ले लो। जब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और फिर x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये जैसे एक मैथ्स में आपने एक छोटा सा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, उसको सॉल्व करने के लिए भी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह सेम टेक्निक यूज़ की जाती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी जब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उसको सॉल्व करने के लिए भी एक प्रोसीजर, एक मेथड या टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है, और उसी के फॉलो करते हुए आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उस टेक्निक को कहते हैं द एल्गोरिदम। ठीक है जी, जो भी मेथड है आप यूज़ करेंगे या टेक्निक यूज़ करेंगे उसको आप कहेंगे एल्गोरिदम, कि हम इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एल्गोरिदम का रोल क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है जी। अब एल्गोरिदम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आपको अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन का, और आपको ये ही ना पता हो कि सॉल्व कैसे होगा, स्टेप्स ही ना पता हो, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की एग्जांपल दी, अगर आपको फैक्टराइजेशन ही नहीं आती उसको सॉल्व आप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको एल्गोरिदम का नहीं पता तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एल्गोरिदम का पता हो कि आप किस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एल्गोरिदम अब क्या है, आपने जो एक कोड लिखा है वो एल्गोरिदम के मुताबिक आपने लिखा है, और वो आपने कोडिंग लैंग्वेज में लिख के इम्प्लीमेंट करना है। जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है, वो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को देखते हुए एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका एल्गोरिदम ही सही नहीं होगा तो आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एल्गोरिदम की, इसलिए एल्गोरिदम अगर ना ठीक हुआ तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद अब जब आपके पास एक एल्गोरिदम भी आ गया, आपके पास टेक्निक भी है, ठीक है, एल्गोरिदम भी है, लेकिन जैसा कि कैंडिडेट सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ से आपने 61 नंबर स्ट्रीट में जाना है, 4 वेज आपको बताए, इसी तरह आप प्रोग्रामर जो है, एक अच्छा प्रोग्रामर, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स बनाएगा। वो एक एल्गोरिदम नहीं बनाएगा, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3-4 एल्गोरिदम बनाएगा। अब उसने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है जी। कैंडिडेट सॉल्यूशन में 3 थे, स्पीड को देखने, कॉस्ट को देखने, कम्प्लेक्सिटी को देखने। इन तीनों को कंपेयर करके आपने एक सॉल्यूशन को चूज़ करना है। एल्गोरिदम में किस किस चीज़ को देखना है, एल्गोरिदम को सबसे पहले आप अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग करते हुए आपने उसकी रिसोर्सेज देखनी है, मीन्स टाइम कितना लगेगा, इसको कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है जी, रैम में, फिर इसको कितनी स्टोरेज स्पेसेस चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि एल्गोरिदम को क्या क्या चीज़ चाहिए। फिर आपने फैसला करना है कि अब ये जो 3 एल्गोरिदम है इनमें से कौन सा मैं चूज़ करूँ, ठीक है जी, ताकि आपका प्रोग्राम ईजीली रन हो सके। अच्छा, अब आपके पास लेट्स सपोज 2 या 3 एल्गोरिदम पड़े हुए हैं। अब आप उस पर ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उनको कंपेयर कर लेंगे, नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पास 3 एल्गोरिदम होते हैं और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की होती है कि आपने उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा टाइम कम से कम लगे, मेरे पास मेमोरी भी बहुत है, ठीक है जी, स्टोरेज स्पेस बहुत पड़ी हुई है, सिर्फ मिनिमम टाइम मुझे चाहिए, कम से कम विद इन सेकेंड्स मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाना चाहिए। तो अब आपने फिर जो कंपेयर करना है, उनको कंपेरिजन करना है, वो टाइम से रिलेटेड करना है। अगर एक एल्गोरिदम को 5 सेकेंड्स लगते हैं, एक एल्गोरिदम को
4 सेकंड्स लगते हैं और एक को 2 सेकंड्स लगते हैं, तो अब आप वो एल्गोरिथम चूज करेंगे जिसको रन होने में 2 सेकंड्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ पे आप देख रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए, मेमोरी या स्टोरेज स्पेसेस या और रिसोर्सेज, किसको आप देखना चाहते हैं, क्या कम से कम हो। और फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा मिनिमम टाइम लगे, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप जो अपने एल्गोरिथम है वो देखें उसमें सबसे छोटा एल्गोरिथम कौन सा है, सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस एल्गोरिथम में है, आप उसको चूज़ कर लें। जितनी कम इंस्ट्रक्शंस होंगी उतने ही जल्दी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आगे देखें इसी टॉपिक को, अगर हम आगे लेके चलें, आपके पास है हाउ फास्ट अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट एल्गोरिथम। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था आपका, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन टाइम है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प, आई एम हेयर टू हेल्प यू। चलो जी, एंड हो गया। आवाज़ का प्रॉब्लम इसलिए, आज भी मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है उन्होंने हैंड फ्री यूज़ नहीं की। आप लोग हैंड फ्री यूज़ किया करें और अपनी वीडियो को ऑफ कर दिया करें, इंशाल्लाह आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और व्हाट इज़ एल्गोरिथम, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग जो क्वेश्चन भेजते हैं वो लेक्चर के एंड में भेजा करें, साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन नहीं देख सकता। सर अगर हमें कहा गया एल्गोरिथम की डेफिनेशन होगी, ओके जी, एल्गोरिथम की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई है कि एल्गोरिथम इज द प्लान, टेक्निक, ठीक है जी, आप इसको प्रोसीजर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आप अपना प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन भी है, ये एल्गोरिथम मींस मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, द एंड। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज कैंडिडेट सॉल्यूशन, व्हाट इज़ कैंडिडेट सोल्यूशन, आपने शायद शुरू में आप नहीं आए, लेट ज्वाइन किया आपने। कैंडिडेट सोल्यूशन आपको पहले बताया, वो तमाम सोल्यूशंस जो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होते हैं कैंडिडेट सोल्यूशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने स्ट्रीट नंबर 22 से स्ट्रीट नंबर 61 जो आपका स्कूल है, डेली आप वहाँ पर स्कूल आते हैं, ठीक है जी। स्कूल आने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं, या तो आप यहाँ से 22 से डायरेक्ट 61 में आ जाएं, या फिर आप 22 से पहले बर्फाना जाएं, बर्फाना से घूम के आएं, या फिर रेंज रोड पे जाएं वहाँ से घूम के आएं, या फिर आप पहले मसरियाल चौक वाली साइड पे चले जाएं वहाँ से घूम के आएं। तो ये तमाम के तमाम वेज आपको पहुँचाएँगे 61 स्ट्रीट में ही पहुँचाएँगे। ठीक है, तो ये जो तमाम रस्ते हैं ये आपको जो आपकी मंजिल है वहाँ तक ही पहुँचा रहे हैं। तो ये चारों के चारों कैंडिडेट सॉल्यूशंस होते हैं, पॉसिबल वेज। ठीक है जी, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैंडिडेट सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट सॉल्यूशंस वो तमाम सॉल्यूशंस जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशंस। पूछा गया है कि ये याद करना है कि नहीं, बिल्कुल साथ साथ आप
याद करते रहें इसको, ठीक है। फिलहाल इनको नीड कॉपीज पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी नीड कॉपी का काम नहीं आया आपका, सिर्फ इनको देखें और याद करें। फुल टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेक्चर को एंड करते हैं। शाबाश हरी आप। ओके जी, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में यही है हमारे पास कि हम कुछ एल्गोरिथम्स को देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स कैसे वो काम करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। सारा एक ही दिन बताया जाए तो वो आप समझ नहीं सकेंगे। ओके कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी आपको ये बताई थी कि आपका सोल्यूशन इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो। जैसे फिर वही एग्जांपल कि 22 स्ट्रीट से आपने 61 डायरेक्ट जाते हैं पीपल कॉलोनी से, तो ये इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन अगर आप मसरियाल चौक से घूम के आते हैं तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल हो जाता है ना स्कूल पहुँचना। इसी तरह आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो भी कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब अगर देखें आप एल्गोरिथम में एक कोड लिखते हैं, कोड आप कर देते हैं उसको 100 लाइंस पे, अब उसमें एक एरर आ गई है, कोड रन नहीं होगा। अब एरर को ढूंढने के लिए आपको 100 लाइंस को रीड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट आपने जो है वे को अपनाना है। यह कम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा लाइन्स होंगी तो वो लिखने में टाइम लगेगा, फिर उसको रीचेक करने में टाइम लगेगा, कंपाइलर को कंपाइल करने में टाइम लगेगा और आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। एग्जाम्पल इंशाल्लाह कल देंगे। फिर क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल्स, तो वो इंशाल्लाह कल। ये एक लड़का अभी ज्वाइन इन्होंने किया है तो बेहतर है कि आप टाइम पे आया करें। अरे आप एनी क्वेश्चन?
फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम्स ये पूछा गया है। देखें, जब भी आपके पास एक एल्गोरिदम होता है उसको रन करने के लिए आप